नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है ओप्पो A5s और इसमें प्रॉब्लम है, इसका फोल्डर ख़राब है। तो आज इसका फोल्डर कैसे चेंज करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ओप्पो A5s ये देख सकते हैं, इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसे फ़ोन को ओपन करने के लिए हमें बैक ये ढक्कन है इसको ओपन करना होगा, और इसके लिए तो हमें ग्लू रिमूवर की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ये वाला ग्लू रिमूवर अभी यूज़ करूँगा, और हमें एक ये ब्लेड जो आता है सेविंग ब्लेड बोलते हैं, ये हमें एक आवश्यकता पड़ेगी। और बिना सेपरेटर की मदद से हम इसको खोलेंगे, बिना सेपरेटर की मदद हमें बस ये दो चीज़ें लगेंगी, एक ब्लेड और एक ग्लू रिमूवर, क्योंकि सेपरेटर सब कोई नहीं ले सकते। और जब आपको काम ज़्यादा हो जाएगा तब आप लेंगे, फ़िलहाल आपको अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं तभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये बस ये तो फ्री में आपको मिल जाएगा कहीं भी नाई भाई की दुकान में, या 1-2 रुपए का आप किसी दुकान से ख़रीद सकते हैं। और ये ग्लू रिमूवर लगभग 100 रुपए के आसपास आता है, ये आप ले सकते हैं और आसानी से घर बैठे आप अपने मोबाइल का फोल्डर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने के लिए हमें एक ये ओपनर लगेगा इसमें, और पहले हम इसमें जो ये हमारा बैक पैनल है इसके चारों साइड हम ये ग्लू रिमूवर जो है उसके हल्के हल्के से चारों साइड लगा देंगे, जिससे हमारा ग्लू जो रहता है थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और ये आसानी से निकल जाएगा। जैसे हम इसमें ब्लेड इंटर करेंगे ये खुलना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चारों साइड से लगा लिया है। अब इसको हल्का हल्का किनारे से इसको लगाने की कोशिश करें, जितना अंदर ये इसमें जा सके उतना ही, एकदम ज़्यादा ना जाए, और देखते रहें कहीं से भी एक जगह गैप जब बना लेगा उस जगह से हम इसको उठाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से उठा रहे हैं। अब इस प्रकार का कोई सा भी ओपनर जो आपके पास हो उसको लगाएं, और ये चारों साइड से इसे गोल गोल घुमा दें। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये निकल चुका है, इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता पहले से निकला हुआ था, ये इसमें लगा रहता है। अगर ये पहले से ना निकला रहे तो इस ढक्कन को आराम से उठाएँ और यहाँ का ये स्क्रू लगा रहता है उसको खोल दें, ये बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसके सभी स्क्रू को खोलने होंगे, जितने भी स्क्रू इसमें लगे हैं उन सबको हमें रिमूव करना होगा। अब सिम इजेक्टर पिन की मदद से आप इसे सिम ट्रे को बाहर निकाल लें। किसी भी नुकीला चीज़ से आप इसे निकाल सकते हैं, अगर आप सिम इजेक्टर पिन नहीं है नाखून से भी निकाल सकते हैं, या आप इसे पिन आता है कोई सा भी पिन जो साइज का हो उसमें लग जाए प्रॉपर, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे कोशिश करें सिम इजेक्टर पिन से ही निकालें इसे, अगर ना हो तो इनकेस इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमारा एक ठो स्क्रू छूट गया था, उसे मैंने दोबारा खोला है, और ये देख सकते हैं हमारा बैक ढक्कन भी निकल चुका है, ये हमारी बैटरी है, बैटरी बाहर आ गई, ये हमारा कॉम्बो है दोस्तों, देख सकते हैं। अब हमें कॉम्बो को निकालना है, क्योंकि पुराना कॉम्बो निकलेगा तभी नया कॉम्बो हम लगा सकते हैं। उसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस है, ये ग्लू रिमूवर चारों साइड से फोल्डर के किनारे किनारे पे लगाएंगे, चारों साइड से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे जिससे हमारा ग्लू कमज़ोर हो जाए, और फिर हम इसे साइड से ब्लेड की मदद से हल्का हल्का उठाएंगे। ये हमारा पहले से गैप है इस फोन के फोल्डर में, नहीं भी रहे एक साइड से नाखून से पकड़ लें, और जो OCA की वेस्ट सीट हो या कोई भी पतला सा प्लास्टिक हो, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, इसमें लगा के और फिर चारों साइड से इसको चारों साइड से इसे गोल गोल घुमा दें, ये निकल जाएगा।
ये देख सकते हैं हमारा फोल्डर बाहर आ गया है, पहले भी ये चेंज हो चुका है। अब इसमें हम नया फोल्डर लगाएंगे, तो ये हमारा नया फोल्डर है दोस्तों, देख सकते हैं मर्क्यूरी का कोई कंपनी है, उसी का ये है, टेस्टिंग वारंटी आता है, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बो है। इससे पहले एक बार हमें चेक करना होगा, चेक करने के लिए इसे लगाएंगे, उसके बाद हम बैटरी लगाएंगे इसमें। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा टच एकदम अच्छे से काम कर रहा है, एकदम बराबर काम कर रहा है टच। मैंने इसे चेक कर लिया है, आप भी पहले इसे जब भी चिपकाना हो पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें, बिना चेक किए कुछ किसी भी कॉम्बो को ना चिपकाएं। अगर पेस्टिंग वारंटी भी रहता है तो आपको दोबारा फ़ोन खोलना पड़ेगा, कॉम्बो निकालना होगा, फिर उसे आपको चेंज कराना पड़ेगा, तो समय का नुकसान होगा। इससे अच्छा है आप एक साथ इसको अच्छे से चेक कर लें, मैसेज वगैरह टाइप करके उसके बाद आप इसे चिपकाएं। तो हमने चेक तो कर लिया, अब इसे चिपकाना होगा। चिपकाने के लिए हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले हम इसके जो साइड के ग्लू हैं उन सबको हम अच्छे तरीके से साफ करेंगे, कहीं से भी कुछ ग्लू छूटे ना, और हमारा फोल्डर जो है वो एकदम प्रॉपर फिटिंग आए ओरिजिनल जैसा। कर लिया, अब इसमें हम ग्लू लगाएंगे। ये मैं ये CP 0001 ये जो गोंद आता है रिलाइफ का, इसका मैं यूज करता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं इसको गोंद को लगाऊंगा। ये देख सकते हैं एकदम ये जो फ्रेम बने हुए हैं उसके ऊपर ऊपर लगाने हैं, आप कोशिश करना है अंदर ना आए, बिल्कुल भी गोंद अंदर ना लगे, एकदम सावधानी से इसको लगा लें। आप देख सकते हैं ये नीचे के साइड में एकदम हल्का लगाएं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो पत्ता रहता है डिस्प्ले का वो ऊपर की तरफ गया रहता है बोर्ड से कनेक्ट होने के लिए, तो अगर इसमें गोंद लग गया ज़्यादा फिर ये हमारे पत्ते को जो कि कॉम्बो में लगा रहता है नीचे साइड इस मॉडल में उसमें घुस जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा कॉम्बो जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। और पत्ती के अंदर चला गया तो कॉम्बो ख़राब भी हो सकता है। अब इसको लगाने से पहले यहाँ पे टेप लगे रहते हैं, इस टेप को पहले रिमूव करेंगे, और इसके नीचे देख सकते हैं गोंद लगा है, इसको इसमें चिपका देंगे। ये चिपक चुका है दोस्तों, देख सकते हैं एकदम प्रॉपर ये बैठा है। अब इसके बाद हम इस फोल्डर को इसमें लगाएंगे, और इसका जो कनेक्टर है इसको हम लगा देंगे। अब हमें इसकी बैटरी को लगाना होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गोंद डाल लें कि किसी भी जगह दो जगह डाल दें, ताकि आपका बैटरी जो है लगाने के बाद थोड़ी देर में सूख जाए जैसे गोंद, फिर अच्छे से चिपक जाए। और ये चिपक जाने से क्या होता है, जैसे कभी गिरा या हल्का सा झटका लगा तो बैटरी का पत्ता कटता नहीं है, वो अपनी जगह पर पूरा फिक्स चिपका रहता है, इसका यही फ़ायदा है। फिर हम ये पैक करेंगे, वापस हम जो स्क्रू खोले थे उस स्क्रू को हम फिर लगाएंगे, देख सकते हैं हमारा जो फोन था वो फिट हुआ है। हमारा फोल्डर लग चुका है, इस प्रकार से आप अपने कॉम्बो को एकदम ओरिजिनल जैसा फिटिंग दे सकते हैं। अब देख सकते हैं एकदम प्रॉपर बैठ गया है। और फिर इसके बैक पैनल में
हमें वैसे ही जैसे हमने फोल्डर को चिपकाया वैसे इसमें भी गोंद लगाना होगा। फिर ये फिंगर का जो पत्ता है इसे हम वापस लगा लेंगे। इस प्रकार से आप अपने फोल्डर को चिपका सकते हैं आसानी से बिना किसी डिस्टरबेंस के, और ये आप बिना किसी और की मदद के भी कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने से इसको अच्छे तरीके से निकाल के साफ़ करके और वापस कॉम्बो को लगा सकते हैं। देख सकते हैं मेरा फ़ोन कंप्लीट हो गया है। तो अब तक वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।